सीओ मोहम्मदाबाद सीओ सिटी के नेतृत्व में थाना मोहम्मदाबाद, थाना फरुखाबाद और थाना राजेपुर की कंबाइन टीम के द्वारा एक अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें सबसे पहले थाना मोहम्मदाबाद को जो सूचना मिली थी उसके आधार पर ग्राम गेसिंगपुर में जो आनंद डेयरी के पास खाली प्लॉट था वहां पर छापेमारी की गई। वहां से तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ वहां से जो अवैध शराब बनाने के में जो स्पिरिट और अन्य सामान यूज होता है वो बरामदगी हुई। जब उनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में मालूम चला कि इनके अन्य दो ठिकाने जो कि थाना फरुखाबाद के अंतर्गत है और दूसरा गाजीपुर के अंतर्गत है वहाँ पर भी ये अवैध शराब बनाने का काम करते हैं। दोनों जगहों पर अलग अलग टीम बनाकर वहाँ पर भी छापामारी की गई और दोनों जगह से अवैध शराब बनाने में जो स्पिरिट यूज होती है और अन्य सामग्री यूज होती है वो बरामद हुई है। इसमें कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उन सभी के खिलाफ थाना मोहम्मदाबाद और थाना फरुखाबाद, थाना राजेपुर में अलग अलग 3 मुकदमे पंजीकृत करवाए गए हैं। और जो दो मेन इसके अभियुक्त हैं जो कि संजय साक्य है जो इनका मेन सरगना भी है जिसके द्वारा ये फैक्ट्री चलाई जाती थी और उसी के द्वारा कच्चा माल उपलब्ध करवाया जाता था और उसके बाद इन लोगों के द्वारा इन फैक्ट्रियों में कच्चे माल से शराब बनाकर छोटे छोटे पौवों में उनको भरकर इनको बेचा जाता था। तो जो संजय साक्षी है और राहुल ड्राइवर है वो दोनों भी फरार हैं, दोनों की जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। इस पूरे अभियान के अंदर करीब 10 जरीकेन रेक्टिफाइड स्पिरिट जो कि करीब 480 लीटर है जिससे कि करीब 7,000 पौवे शराब के बनाए जा सकते थे जिसकी बाजार में कुल कीमत 10 लाख के करीब होती और इसमें सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। इनके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं, कहाँ सप्लाई देते हैं, सब बेचते कहाँ थे? इनका अभी तक जो सामने आया है बेचने का वो यही है कि ये लोकल में लोगों को देना इनका अभी संज्ञान में आया है कि अपने हिसाब से ले जाकर साथ में कभी 20 पौवे कभी 10 पौवे ले जाके इन लोगों को बेच दिए। और हम इसके अंदर आगे भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इनके साथ अन्य कौन लोग जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हम इस चीज़ पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये कहाँ से रैपर लाया करते थे, कहाँ से बारकोड का प्रोक्योरमेंट किया करते थे, कहाँ से बोतल लाया करते थे। जब इन सब के बारे में जानकारी हो जाएगी उन सभी के खिलाफ भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और इसमें आने वाले टाइम में गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी।